हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिल्पी कुल एंड वेलकम टू दिस चैनल कॉल ऑफिसर लाइफ। इस चैनल को शुरू करने का मेन रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड 2019 बैच आईएएस ऑफिसर हैं, वो करंटली एज एन एसडीएम रानीखेत पोस्टेड हैं। उनकी वजह से हम काफ़ी अलग अलग प्लेसेस में जाते हैं, कभी गाँव में जाते हैं, कभी हम पहाड़ में रह रहे होते हैं। प्लस हमेशा मुझसे लोग पूछते हैं कि ऑफिसर लाइफ कैसी होती है, कैसा घर होता है, कैसी गाड़ी होती है। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक चैनल शुरू करें जिसके थ्रू हम आपको सब कुछ दिखा सकें। तो आज मैं आपको रानीखेत का एसडीएम हाउस दिखाने वाली हूँ। ये ब्रिटिशर्स के टाइम का बनाया हुआ है। तो चलिए आप शुरू करते हैं देखना घर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन रास्ते गए हुए हैं। ये जो रास्ता है ये हमारे गैरेज की तरफ जाता है, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी होती है। ये जो रास्ता है ये घर की तरफ ही जाता है। यहाँ पे हमारा बैडमिंटन कोर्ट भी है। हम कोशिश करेंगे कि हम काफी कुछ इस वीडियो में कवर कर सकें, तो देखते हैं। पर फिलहाल हम अभी घर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल से लोकेशन में ये घर बना हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको रानीखेत की हिस्ट्री बताना चाहती हूँ। ऐसा माना जाता है कि एक कत्यूरी क्वीन हुआ करती जिनका नाम था रानी पद्मिनी, उन्हें ये जगह काफ़ी पसंद आ गई थी, इस वजह से उनके नाम पे ये जगह पड़ गया रानीखेत। पर इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिला है। तो जो हमें पता है वो ये है कि ब्रिटिशर्स पहले, हमें पता है कि समर स्टेशन बनाया करते थे, जैसे मसूरी है, नैनीताल है, शिमला है। तो जब 1857 रिवोल्ट हुआ था, जिसे सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं या इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, उसके बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि उनको उनके ट्रूप्स उनके फैमिली के लिए एक ऑल्टरनेटिव भी चाहिए नैनीताल के अलावा। तो उन्होंने मेजर लैंग को कहा कि आप एक कोई प्लेस ऐसा ढूंढिए जहाँ पे हम उनके ट्रूप्स उनकी फैमिली को रख सकें। तो उसके बाद बसा है। इस वजह से इसे बिबियान भी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पे जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनकी वाइफ रहा करती थी, तो क्योंकि बिबिया रहती थी तो उनके नाम पे बिबियान भी बोला गया है। तो अब मैं आपको थोड़ा घर के बारे में दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी पेड़, काफ़ी हरा भरा घर है ये। यहाँ पे मैं आपको इस पेड़ के बारे में स्पेशली बताना चाहती हूँ। इसे इंग्लिश में हम ओक कहते हैं और हिंदी में बांझ का पेड़ कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये काफ़ी सारा पानी अपने नीचे स्टोर करके रखता है, तो ये बहुत ही अच्छा है वाटर कंजर्व करने के लिए। और जहाँ पे भी आप बांझ देखेंगे वहाँ पे आपको एक और पेड़ हमेशा देखने को मिलेगा, जो है चीड़ का पेड़, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पाइन कोन। इसका बहुत ही यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे वो लोग लीसा निकालते हैं, और ये जो लीसा उसे टारपिन का तेल बनाया जाता है। तो ये जो तेल है उससे फिर जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है इसमें यूज़ किया जाता है। प्लस अगर हम इसे एज अ रॉ देखें, जब हम लीसा नहीं निकालते हैं, तो इन लकड़ियों से थोड़ा बहुत घर का जो पैनल वगैरह होता है वो भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। तो अब मैं आपको घर की तरफ ही लेके चलती हूँ। बीच बीच में मैं आपको पेड़ पौधों के बारे में बताते जाऊँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है पेड़ पौधों पर। आपको फाइनली घर के अंदर लेके जाने वाले हैं, पर यहाँ पे ये एक रोड जो है दूसरी तरफ जाता है, जहाँ पे हमारा दूसरा गेट है। तो हम वहाँ पे भी आपको लेके जाएंगे, पूरा दिखाएंगे, बट फिलहाल अभी हम आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल सा दिख रहा है। चलिए आइए अंदर। तो इस घर का जो नाम है ये सेंट एल्बांस है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे यहाँ गलत लिखा हुआ है, बट घर का नाम है सेंट एल्बांस और यहाँ पे हमारा नाम लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरा नाम शिल्पी, मेरे बेटे का नाम सात्विक। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ टाइम पहले हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल से बेबी बॉय को जन्म दिया है, तो उनका नाम भी लिखा हुआ, और फाइनली हमारे एसडीएम साहब का नाम है जिनका नाम है जयकिशन। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गार्डन है छोटा सा। तो ये जो है हमारा झूला है, ये मेरी फेवरेट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे मैं और मेरा बेटा मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। और एक छोटा सा हमने एक सेल्फी पॉइंट सा बनाया हुआ है, क्योंकि हम बहुत फोटोज़ लेते हैं अपने बेटे की। मैं यहाँ पे एक पिक्चर आप यहाँ ऐड करूँगी, जो ब्रिटिशर्स के टाइम का था, जब यहाँ पे सारे ब्रिटिशर्स, हमें एक फ़ोटो मिली थी जहाँ सारे ब्रिटिशर्स यहाँ पे खड़े थे। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि उस टाइम पर और इस टाइम पे कैसा घर दिख रहा है। ये चलते हैं घर के अंदर। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा है, ये बिल्कुल ओपन है, यहाँ पे बैठने का पूरा गार्डन हमें दिखता है। तो मोस्टली हम यहाँ पे बैठते हैं शाम के समय। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहती हूँ, जो आप ये जाली देख रहे हैं ये पहले नहीं हुआ करती थी, ये बिल्कुल ओपन था स्टार्टिंग में, पर यहाँ पे काफ़ी लेपर्ड्स और मंकी सब आते हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए ये लगाया गया है। और बहुत बार लेपर्ड्स को गार्डन में बैठे देखा गया है। तो ये हमारा बरांडा था, और ये हमारा एसडीएम ऑफिस है, कैंप ऑफिस है ये। तो बहुत बार सर जो है वो ऑफिस का काम कभी कभी घर में आने के बाद यहाँ से भी करते हैं। अब मैं आपको हॉल की तरफ लेके चलती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है यहाँ का हॉल, ये बिल्कुल वैसे का है, वैसा ही है जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना हुआ था, क्योंकि हमने इसकी कोई पिक्चर देखी है, जो बिल्कुल ऐसा ही सेटअप था। जो मेन चीज इस घर की है वो है ये फायर प्लेस। बहुत ठंड में मोस्टली यहाँ पे हम आग जलाते हैं, और आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पे चार रूम है और चारों रूम में कॉर्नर में फायर प्लेस बना हुआ, और बीच में इसकी चिमनी गई हुई है, जो हम आपको दिखाएंगे। फिर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ की सीलिंग।
देखिए किस टाइप की लाइटिंग की गई है यहाँ पे और किस तरीके के पूरे पैनल बना हुआ है ऊपर का। यहाँ पे कोई फैन नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, यहाँ का वेदर इतना अच्छा होता है। ये छोटा सा एचडीएमसी का लाइब्रेरी है। अब मैं आपको हमारे रूम की तरफ लेके चलती हूँ, तो आइए हमारे रूम में। ये हमारा बेडरूम है, तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा और स्पेशियस बना हुआ है और हमने आपके लिए ये फायरप्लेस भी जलाया हुआ है ताकि आप देख सकें कि कितना ब्यूटीफुल और कोजी लगता है यहाँ पे। इस रूम में मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ आपको कि बहुत से दरवाजे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ ये जो है ये हमारा ड्रेसिंग रूम है, उसमें बाथरूम है, और खास बात ये इस घर की कि यहाँ पे हर रूम से आप घर के बाहर जा सकते हैं, मतलब हमारे बाथरूम से भी बाहर जाने का रास्ता दिया हुआ है। अब पता नहीं हमने ऐसा क्यों बनाया है। फिर मैं दिखाना चाहती हूँ ये वाला, ये हमारा स्टोर रूम है, स्टोर रूम से भी बाथरूम है और बाथरूम से भी आप घर के बाहर जा सकते हैं। और फिर ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा वरांडा है, यहाँ से भी आप घर के बाहर जा सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे दरवाजे और पर्दे वगैरह सब लगे हुए हैं। अब मैं आपको दूसरे रूम की तरफ लेके चलती हूँ। ये हमारा सेकंड रूम है इस घर का, देखिए कैसे फायरप्लेस यहाँ पे कॉर्नर में बना हुआ है। तो अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से इसकी प्लानिंग की गई है कि ताकि 4 रूमों और उसके कॉर्नर पे ये फायरप्लेस बना हुआ है। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ हमारे इस घर के डाइनिंग एरिया पे। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा है, बहुत ही पुराने फर्नीचर्स हैं, ये सब कुछ भी हमारा नहीं है। हम जब आए थे बिल्कुल हमें ऐसे का ऐसे ही मिला था, मैंने इसमें कुछ भी अपना थोड़ा बहुत सामान रखा होगा। वैसे आप देख सकते हैं बीच बीच में मैं ध्यान दिया होगा कि बच्चों के बहुत सारे सामान आपको देखने को मिले थे क्योंकि हमारे छोटा सा बेबी है अभी। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है और ये जो भी फर्नीचर, ये जो कबर्ड्स वगैरह बने हुए हैं, ये सब वैसे ही थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा किचन एरिया है, किचन एरिया से भी हम घर के बाहर जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने प्लान किया था यहाँ का आर्किटेक्चर, जहाँ पे आप किसी भी रूम में आप घर के बाहर निकल सकते हैं। अब मैं आपको इस घर के बहुत ही खास शख्स से मिलवाने वाली हूँ जो 24 साल से इस घर की केयर कर रहे हैं, उनका नाम है दिगंबर भैया। तो मैं आपको सीधा दिगंबर भैया से मिलवाती हूँ। आइए भैया। नमस्कार। नमस्ते भैया, आप कितने साल से इस घर में काम कर रहे हैं? मैं 24 साल से हूँ मैं। अच्छा, तो इतने सालों से आप काम कर रहे हो तो आपको तो बहुत सारी कहानियां पता होंगी इस घर जी के मैम, बारे में, जी मैम। तो आप प्लीज हमसे कुछ कहानियां शेयर करिए। मैम पुराने क्या है, यहाँ लेपट लेपट आते रहते हैं मैम, लेपट भी हाँ, आते हैं मैम। ये मुझे बताया गया था इस घर के बारे में कि यहाँ पे लेपट आते हैं, तो हमें बहुत सावधानी रखनी है। जी मैम। तो बताइए। जी मैम, ये जंगल का एरिया हुआ मैम, तो यहाँ लेपट आते थे मैम जी। और पुरानी जो है इससे पहले से ही बने हैं मैम ये भी। अच्छा, जो बहुत पहले से इनकी कटिंग होती होती है, वर्णन नहीं दे इनको। अच्छा जी। और कुछ कहानी आप जानते तो प्लीज हमसे शेयर करिए। जी मैम, मैम कभी बरांडे में मैं सो जाता था जी, तो सोता था तो दिन में आराम करता था, तो मैम कुछ आती थी एक लड़की छोटी छोटी फ्राक पहन के, तो मैम कभी गला वो कर देती मेरी, तब से मैं सोता भी नहीं मैम, जबता हूँ यहाँ। और ऐसा कुछ नहीं है, बाहर किसी को जानने की बात नहीं है मैम। ये चीज मुझे भी बताई गई थी भैया ने, मुझे शेयर किया था कि यहाँ पे छोटी सी लड़की फ्रॉक पहन के आती है जो हमारे बरांडा में दौड़ती है जी। पर मुझे उस लड़की से कभी डर नहीं लगा और लकीली हम उससे कभी मिले भी नहीं है। जो मुझे जिस चीज से इस घर में डर लगता है वो है कि इस घर में बड़े बड़े क्या है, मकड़ी, हाँ बड़े बड़े मकड़ी है, बिच्छू है, लीचेस है, तो उस चीज से तो मुझे काफी डर लगता है। हमें वो लड़की से तो अभी तक डर नहीं लगा क्योंकि हम उससे मिले ही नहीं है। अब हम आपको इस घर का फ्रूट गार्डन दिखाते हैं, तो भैया चलिए दिखाइए। मैम ये एप्पल, ये जो आप देख रहे हैं ये सेब का पेड़, सेब का पेड़ है। तो भैया इसमें जाली क्यों लगी हुई है? मैम ये बंदर की वजह से, बंदर क्योंकि फल खा लेते हैं मैम। हाँ बंदर फल खाते तो हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिलहाल इस वीडियो में तो कोई बंदर नहीं आए, बट यहाँ पे बहुत बंदर आते हैं जी, और उनकी प्रोटेक्शन की हमें ये जाली लगानी पड़ती है। फिर ये जो दूसरा पेड़ आप देख रहे हैं ये भी सेब का ही है, सेब है मैम। इस बार हमने बहुत सेब हार्वेस्ट किए थे, काफी मुझे लगता है कितने 25-30 किलो सेब तो निकले होंगे ना जी, जी, जी। हाँ इतने सारे सेब उस पेड़ से निकले थे जी मैम। फिर जो ये पेड़ आप देख रहे हैं ये है आड़ू का, जिसे इंग्लिश में पीचेस भी कहते हैं। फिर ये जो यहाँ पे सारे पेड़ लगे हुए हैं ये सब, ये प्लम है जिसे हम हिंदी में आलू बुखारा कहते हैं। ये वाला पेड़ भैया किस चीज का है? खुमानी। खुमानी, हाँ खुमानी, यहाँ का लोकल फ्रूट होता है खुमानी, जिसे इंग्लिश में हम एप्रिकॉट कहते हैं। हाँ एप्रिकॉट ही कहते हैं। तो ये एप्रिकॉट का पेड़ है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पेड़ लगा हुआ है ये है नाशपति, नाशपति का। तो आप ये देख सकते हैं ये नाशपति का पेड़ है। तो काफी सारे फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, काफी हुए भी थे और बहुत फल भी हुए थे, जिसकी वजह से बहुत बंदर भी आते थे, तो हमें डर लगता था कि लेपर्ड भी आ सकता है। आप ये घर के पीछे वाला पोर्शन देख सकते हैं जहाँ से सीढ़ी गई है और ऊपर एक छोटा सा रूम है, और वो चिमनी भी दिख रहा होगा आपको, जहाँ पे वो जो मैंने आपको फायरप्लेस दिखाया था उसका धुआं निकलता है। जो पीछे आपको घर दिख रहा है वो हमारे गार्ड साहब का घर है, और ये हमारा
दूसरा ये पाथवे है जहाँ से हम दूसरे गेट की तरफ जाने वाले हैं। मैं आपको एक पेड़ और दिखाने वाली हूँ, ये देवदार का पेड़। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ जो मुझे भी नहीं पता थी, वो है लोकल सेब। तो भैया दिखाइए क्या होता है यहाँ का लोकल सेब। तो ये जो आप देख सकते हैं, भैया बताइए इसके बारे में। मैम ये लोकल सेब कहते हैं इसको, उसे घिंगारू कहते हैं। मैम घिंगारू, घिंगारू, घिंगारू कहते हैं। तो इसे खा सकते हैं हम? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, आप भी खा, मैं भी खा सकता हूँ मैम। काफी खट्टा मीठा सा टेस्ट है इसका। जी मैम, बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये जी। तो ये तो मैम इसको जो है बच्चे काफी पसंद करते हैं, और सेब सेब करके छोटा सा छोटा सेब करके मिनी सेब करके खा देते हैं बच्चे। अच्छा इसको जी मैम, वैसे घिंगारी कहते हैं उसे, घिंगारू। तो आप देख सकते हैं हम दूसरे गेट की तरफ जा रहे हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने और जय ने डिसाइड किया है कि अगर ये चैनल सक्सेसफुल होता है तो हम इसका मेजर पार्ट जो चैरिटी में देंगे। तो अगर आप घर बैठे चैरिटी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बाय।